इसमें आपका ऑनियन और आपका चिली एंड टमाटर, आधा टमाटर दी हो, एंड मेरे पास तो जिंजर गार्लिक पेस्ट ऑटोमेटिक ही है, तो सब एक साथ मिला दी हूँ। तेल गर्म होगा, इसको डाल दूंगी। लेने के बाद आलू को थोड़ा से फ्राई करूंगी मसाले के साथ। थोड़ा से पानी ऐड कर दी हूँ, अदरवाइज मसाला जल जाएगा। अभी थोड़ा से धनिया, थोड़ा सा जीरा पाउडर, हल्दी एंड सॉल्ट डाल के मसालों को भी अच्छे से फ्राई करूंगी। इसको अच्छे से अभी फ्राई करूंगी। लंच प्रिपरेशन डन, देख सकते हैं जीरा राइस हुआ है। एंड एक को कसा करूंगी, थोड़ा से ग्रेवी हम लोग के रखे हैं तो उनके लिए थोड़ा सा ड्राई कर दूंगी, तो यही है। और क्यूकम्बर है तो वो भी डाल दूंगी। तो चलिए सब काम खत्म करते हैं। हाय फ्रेंड्स, तो सुबह का मैं सूट नहीं की थी डेली, तो आपको पता था कि शशांक जाने के बाद एज यूजुअल चाय वाय वो सब करती हूँ। एंड रिद्धि बिल्कुल पढ़ने नहीं बैठ रही थी क्योंकि उसका गैप हो गया ना, तो इसीलिए नहीं हो रहा था, तो काम भी था, तो देख सकते हैं ऐसा है अभी घर का सिचुएशन। तीनों गैजेट लेके बैठी हूँ तो बस वैसा ही है। तो अभी बारिश तो हो रहा है एज यूजुअल, वो तो है, एंड इसी वजह से ना बहुत नींद भी आ रहा है। तो चलिए अभी लंच एंजॉय करते हैं। लंच तो आपको शायद पता होगा, लंच में जीरा राइस की हूँ एंड जो एक का कशा बोलते हैं वैसे टाइप का की हूँ। दीदी के लिए दाल पोटैटो बॉयल करके और भिंडी का फ्राई, तो भिंडी तो चलिए लंच एंजॉय करते हैं बैठ बैठ के। तो अभी थोड़ा सा टाइम है, उसी लिए मैं हड़बड़ी में, मुझे हर दिन खाने का मन नहीं होता है। चलिए लंच करते हैं। बाहर शायद आपको आवाज़ से पता चल रहा है कि कितना जोर से बारिश हो रहा है। ऑलमोस्ट ये लंच टाइम से स्टार्ट हुआ है। तो अभी कॉफ़ी के साथ वो जो कॉर्न पकौड़ा हम लोग खाए थे, तो मम्मी वो ट्राई की कॉर्न पकौड़ा, तो खाने में तो बहुत टेस्टी हुआ है। मैं रेसिपी भूल गई आपके साथ शेयर करने के लिए, एक्चुअली ऑफिस चल रहा था अभी याद आया, तो बहुत क्रंची हुआ है, बहुत टेस्टी हुआ है। तो मैं और एक दिन जब करूँगी तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। जस्ट व्यू देखो हमारे घर से। को बॉर्नविटा दी हूँ, देने के बाद भगवान को पूजा करना। मेरा ऑफिस हो चुका है, जस्ट अभी ऑफिस से उठी हूँ एंड कंटिन्यूस बारिश हो जा रहा है। अभी टाइम हो गया है 7:20, तो मैं दिखाती हूँ कि बाहर का क्या स्टेटस है। ये लोग इतना चिल्लाते हैं। तो देखिए बाहर का ऐसा है, अभी 7:20 हो चुका है, फिर भी अभी भी थोड़ा थोड़ा है एंड अभी कंटिन्यूस हो जा रहा है बारिश। ऐसा डन वेदर लग रहा है अभी, क्या बोलूं। ओ ये तो कहीं जा नहीं पा रही है, पूरा घर इधर उधर कर दिए। बैट बॉल। तो घर अभी तो आपको पता ही है ऑफिस करने बैठने से कैसा होता है, 10 बार रिद्धि आती है, थोड़ा सा गर्मी लग रहा है, कभी ठंडा लग रहा है, तो उसको थोड़ा सा मुड़ी दी थी शाम को, ऐसे टाइप का है। तो अभी घर भर पूरा क्लीन करूंगी, फिर थोड़ा सा फ्रेश होंगी। तो अभी जस्ट हेयर को ऑयल की, क्योंकि बहुत मतलब लास्ट 2-3 दिन से ऑयल नहीं हुआ था, तो अभी अच्छे से पहले ऑयल कर दी हूँ, अभी घर को पूरा क्लीन करूँगी। थोड़ा सा अभी हल्का लग रहा है। Hey, तो अभी जाके मुझे थोड़ा सा टाइम मिला, मैं
मैं अभी जब सब घर भर था पूरा क्लीन की ऑफिस के बाद, ये धूप तो पूरा मतलब इतना करके रखती है, कभी भी मुझे शांति से कुछ करने नहीं देती है। तो हाँ, मैं जो आपको बोल रही थी कि हम लोग होटल का जो बजट या जो भी है तो वो कैसे क्या किए थे, तो आपसे सतर्क डिटेल्स में आपको बता देंगे, क्योंकि वही किया था मैं तो क्यों नहीं हूँ, फिर जान के फिर बताना पड़ेगा। बेटा सतंग आपके साथ शेयर करें। हाँ, तो मैंने जो रूम बुक किया था वो मेक माई ट्रिप से बुक किया था। मेक माई ट्रिप में आप अगर जाओगे लोनावला सर्च करोगे तो एलिट होटल नाम है उसका, इट्स अ 3-star होटल और इट केम एट अ बिट चीपर प्राइस ओनली, बिकॉज अदरवाइज ऑल द लोनावला होटल वाज अराउंड मोर देन 10,000 per day stay, but we got this elite hotel suite room. It's comprised of a bedroom and a living room. Living room में एक sofa कम bed भी था, तो आपने देखा है previous vlog में। तो it came at a cost of around 8,000 including breakfast, which was a buffet breakfast. हमारा जो दो दिन का stay में जो fooding का जो cost around 2,000 आया था, तो टोटल मिला के स्टे एंड होटल का कॉस्ट वाज अराउंड 10,000। एंड जो अच्छा पार्ट है कि मैं जिसके साथ ट्रैवल करता हूँ अभी जो मुंबई में, उसको ही मिल गया था लोनावला जाने के लिए, तो उसने भी 5,000 मुझे बताया था कि आने जाने का, मतलब वो लेके भी गया था हमें एंड देन वी केम बैक इज इन हिज कार, और उसके साथ उसने मुझे वो जो साइट सीइंग वो भी करवाया, तो इसीलिए मैंने उसको और एक्स्ट्रा 1,000 पे किया था, तो अराउंड 6,000 टोटल लगा हमें जो साइट सीइंग एंड आने जाने का खर्चा, तो इट केम 16,000 में पूरा लोनावला का ट्रिप मेरा कंप्लीट हो गया। तुम्हें कैसा लगा लोनावला, तुम किसके साथ एंजॉय किए? मंकी के साथ। देखो देखो, ये है आज का मतलब सुपर लेटेस्ट डायलॉग मंकी के साथ, तो वो तुम्हारा फ्रेंड था। हाँ। अच्छा, तो बारिश में शशांक को मन हुआ जिलेबी खाने के लिए, और रबड़ी। हाँ, रबड़ी के साथ तो ऑर्डर किया था, अभी आया। एक गर्म है, बहुत ज्यादा गर्म है, अभी भी हम लोग का डिनर बहुत बाकी है टाइम, बट हाँ, तो अभी हम लोग जिलेबी को लेके एंजॉय करेंगे। तो मुझे प्लीज आप लोग बोलेंगे कि आप लोग प्लीज बोलेंगे कि किसके मुंह में पानी आ रहा है जिलेबी को देख के। तो चलिए हम लोग अभी जिलेबी को एंजॉय करते हैं। तो आज है ट्यूसडे, नेक्स्ट डे मॉर्निंग 6:44 हो गया है, ट्यूसडे है। देखिए मेरा बिग डेली से मिल्क भी आ चुका है। एक्चुअली इतना ज़्यादा बारिश हुआ है कल और इतना ठंड हो गया है, क्या बोलो, देख के लग रहा है 6:44 हो रहा है, जस्ट ऐसा है बाहर का ये। तो मैं झाड़ू कर दी हूँ, अभी थोड़ा सा क्लीनिंग कर दूँगी पहले। इधर मैं खाना भी बैठा दी हूँ, मैं 6:20 अराउंड उठी हूँ आज। तो शशांक इस बारिश में कुछ चावल वावल नहीं ले जाएगा, तो दो सब्जी होगा, तो बस दो सब्जी थोड़ा सा ज़्यादा से बना कर के रखूँगी, ये रात में देखा जाएगा। तो वैसे आज तो ट्यूसडे है, तो वेज में थोड़ा सा कोई सेमाई का खीर वीर बना लूँगी तो हो जाएगा, तो उसी लिए पनीर एक होगा, एक घुगनी टाइप का होगा, तो दो होगा। दूध मेरा हो चुका है और कुछ दिख नहीं रहा है, ऐसे अंधेरा होके रखा है। चलिए काम कर लेते हैं। मैं उठ के पहले बात भी नहीं कर पा रही थी, इतना गला बैठ गया था। उसके बाद मैं थोड़ा सा गर्म पानी पी तो जाके मैं मतलब मोबाइल ऑन कर पाई, अदरवाइज मतलब हो नहीं रहा था, मतलब इतना ठंड हो गया है और ड्रेस सब। तो मसाला पेस्ट बनाऊंगी, देख सकते हैं जिंजर का टुकड़ो ली हूँ दो तीन, एक साथ मसाला बनाऊंगी जो मेरा पनीर एंड घुगनी दोनों में काम आए। एंड टमाटर ली हूँ और इसमें जाएगा आपका रोस्टेड जीरा जो कि मैं पहले से ही है, एंड जो होल क्या बोलते हैं होल जो धनिया वो भी, इसको थोड़ा से जो इसमें रोस्ट करके
उसको थोड़ा से इसके साथ सूखी लाल मिर्च के साथ, दो सूखी लाल मिर्च के साथ रोस्ट मेरा पहले से किया हुआ है, तो ये देना ही है। ये सब्जी में भी अच्छा लगता है। एंड घुगनी में मैं वो नहीं दूंगी रोस्टेड धनिया, उसमें सिर्फ जीरा दूंगी। तो यही था कॉम्बिनेशन। तो चलिए पेस्ट बना लेते हैं, उसके बाद दोनों स्टार्ट करते हैं। कवर कर दी हूँ, मतलब कैरेट को थोड़ा सा सॉफ्ट होने के लिए। एंड इसमें मैं देखिए अभी कम ऑयल हूँ, ज़्यादा नहीं लगता है घुगनी में ऑयल। तो मैं क्या करती हूँ ऑलवेज जब घुगनी बैठाती हूँ, थोड़ा सा जो भी मेरे पास खड़े गरम मसाला है वो घुगनी में डाल देती हूँ फ्लेम हाई करके। उसके बाद जो मसाला रेडी है उसको ही मैं उसमें दे दूँगी, उसके बाद थोड़ा सा फ्राई करूँगी। कैसे करती हूँ जिसमें आलू और मटर एक साथ ही, मतलब देखिए पूरा हो गया है मटर पूरा। तो मैं क्या करती हूँ, जो मटर लेती हूँ ना उसी के साथ मैं आलू को क्या करती हूँ, उसका जो छिलका है कभी भी उसको पील नहीं करती हूँ ऑलवेज, जो मतलब उसी के हिसाब से बड़ा पोटैटो नहीं लेती हूँ, जो छोटा पोटैटो को मैं क्या करती हूँ थोड़ा से हल्दी एंड सॉल्ट डाल के उसमें पानी में दे देती हूँ एंड बाद में ये करती हूँ। तो इसमें क्या होता है आलू का घुगनी का जो टेस्ट है आलू में वो भी आता है एंड एक साथ बॉइल्ड हो जाता है। फ्राई हो चुका है, अभी मैं क्या करूंगी टुकड़ों में जो पनीर है मैं यहाँ पे हम लोग तीनों के लिए, रिद्धि के लिए मैं अलग से रखी हूँ, तो हम लोग के लिए मैं 200 ग्राम करीब मेरा है पनीर, तो उसको मैं मिला दी मतलब डाल दी हूँ। अभी क्या करूंगी इसको अच्छे से मिलाऊंगी, फ्लेम को एकदम लो कर दूंगी इस टाइम एंड थोड़ा सा देख लूंगी कि सॉल्ट वॉल्ट ठीक है कि नहीं, और थोड़ा सा गर्म पानी दे दूंगी, उसके बाद इसको थोड़ा सा बॉइल होने दूंगी बस, तो ये सब्जी हो जाएगा। तो देखिए इसमें मेरा जो भाजा मसाला बोलते हैं वो मसाला इसमें है, तो ये देने से मतलब घुगनी का टेस्ट और ज़्यादा अच्छा होता है। तो भाजा मसाला का रेसिपी अगर अब कभी भी आपको चाहिए तो मुझे मेंशन करेंगे, मैं बोल दूँगी। सिंपल सा है, मैं थोड़ा से डाल देती हूँ, अभी डालती हूँ, बहुत जन घुगनी होने के बाद डालते हैं, मैं वो स्टार्टिंग में ही डालती हूँ। बस और कुछ नहीं है, अभी इसको और थोड़ा सा 2-4 मिनट भूनूंगी और उसके बाद पानी डाल के बॉईल करने दे दूंगी। तो देखिए मेरा पनीर का सब्जी एकदम रेडी हो गया है, ये बहुत अच्छा होता है, ज़्यादा इसमें कोटिंग मसाला नहीं रहता है बट इसका टेस्ट अमेजिंग रहता है। रोटी के साथ तो स्पेशली रोटी पराठा के साथ बहुत अच्छा लगता है, इस मौसम के लिए हम लोग के लिए तो ये परफेक्ट है।
मेरा देख रहे घुगनी में भी उबाल आ गया है, तो बस इसको और 2-4 मिनट बॉईल होने दूंगी। थोड़ा से पानी मतलब ये हो जाएगा गाढ़ा गाढ़ा होने से, इसको भी निकाल दूंगी। मेरा घुगनी भी रेडी। तो मेरा येलो टाइप का ही होता है क्योंकि मैं तो रेड चिली यूज नहीं करती हूँ। अगर आप रेड चिली या जो क्या बोलते हैं मिर्ची पाउडर अगर यूज करेंगे तो रेड टाइप का होगा। तो मेरा चलिए हो गया है, उबाल आ चुका है। अभी ये थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे ग्रेवी होते जाएगा। चलिए शशांक उठ गया है, उसका मॉर्निंग ड्रिंक्स लो।